अपने ही स्थान से प्रभु के इस पावन नाम को आप सब लोग बोलेंगे। जय गुरुदेव। इस आवाज को सुन रहे सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन बच्चियों बच्चियों, शंकर जी पार्वती को उपदेश कर रहे थे तो कह रहे थे तो मां कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन, सत हर भजन जगत सब सपना। कह रहे थे पार्वती ये दुनिया ये संसार ये जगत यह स्वप्नवत है, जैसे सपना रात को देखते हैं तो कुछ के कुछ बन जाते हैं। कोई गरीब आदमी सपना देखता है, मजदूर सपना देखता है तो सपने में राजा बन जाता है, शेर साहूकार बन जाता है, अच्छा खाने लगता है, अच्छी जगह पर रहने लगता है। लेकिन जब सुबह उठता है तो उसको वही झोपड़ी दिखाई पड़ती है, वही गुदड़ी जिस पर सोया हुआ रहता है वही दिखाई पड़ता है, तो कहते सपना सपना हो गया। ऐसे ही यह संसार है, जो छूट जाने वाली चीज होती है वो स्वप्नवत होती है। यह संसार किसी का नहीं हुआ, संसार की चीजें किसी की नहीं हुई, और संसार में आए हुए मनुष्य शरीर के लोगों का शरीर भी हमेशा साथ नहीं दिया। यह परिवर्तनशील संसार है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका हाड़ और मांस खून सब तरोताजा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे ये सारे अंग पुराने होते जाते हैं। तो जैसे यानी गाड़ी जब कंपनी से निकलती है तो बढ़िया तरोताजी रहती है, कहते सर्विस कराते जाओ समय से और गाड़ी चलाते जाओ, लेकिन चलते चलते एक दिन उसके भी पुर्जा कमजोर पड़ जाते हैं और मरम्मत करने पर भी जल्दी ठीक नहीं होती है, खड़ी कर देनी पड़ती है। ऐसे ही यानी समझो समय समय पर इस शरीर को भोजन देते जाओ, यानी रोग से बचाते जाओ तो ये शरीर चलता तो जाएगा, जब इसमें कोई कमी आ जाए तो उस कमी को दूर कर लो, जैसे गाड़ी के मरम्मत करके दूर कर लेते हो कमी को। लेकिन एक समय ऐसा आता है ये गाड़ी रुक जाती है। आप समझो जवान को बुढ़ापा नहीं याद आ रही और बुढ़ापे को मौत नहीं याद आ रही, जबकि यही सत्य है। दुनिया संसार में दो ही चीज सत्य है, एक तो मौत का आना सत्य है और दूसरे वो परमात्मा सत्य है, बाकी सब ये मिथ्या है। बाकी तो ये समझ लो कि ये झूठ है, झूठ काम नहीं आता, नकली चीज काम नहीं आती है, नकला नोट हो रुपया पैसा हो तेरा मोटे जमादार नकला हो तो आदमी के वो कोई काम नहीं आता है। ऐसे यह संसार नकला है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि इस संसार को छुड़ाया नहीं जा रहा है, घर को छुड़ाया नहीं जा रहा है, बच्चों को छुड़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि इसमें फंसो नहीं, रहो दुनिया में ही संसार में। लेकिन जिस तरह से कीचड़ में कमल खिल जाता है, जिस तरह से कांटों में गुलाब खिल जाता है, अलग रहता है, ऐसे ही रहो। भगवान ने भोग बनाया किसके लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया, फंसने के लिए नहीं बनाया। तो इसमें फंसो नहीं। यह संसार का यह सुख जिसको आप सुख समझते हो, जिसको यानी भोग को आप आनंद समझते हो, यह आनंद और सुख तो है ही नहीं, यह भ्रम और भूल है।
आप इस बात को समझो कि पैदा होते ही माया ने जो भ्रम और भूल का पर्दा डाल दिया, वही पर्दा हट नहीं रहा है, रास्ता मिल नहीं रहा है लोगों को। रास्ता मिल गया तो रास्ते पर चल नहीं रहे हो, तो भूल और भ्रम में फंसे हुए हो। और जिस तरह से अन्य समझ लो कि कुत्ता हड्डी को चूसता है और वो हड्डी जबड़े में धंस जाती है, घुस जाती है, तो खून निकलता है, तो कुत्ता यह समझता है कि हड्डी से खून निकल रहा है और बार बार हड्डी को काटता है और वो जबड़ा और भी कटता चला जाता, खून और भी ज़्यादा निकलने लगता है। जब ज़्यादा खून मिलता है पीने को उसको, तो उसी में यानी आप ये समझ लो कि फंसा रह जाता है। ऐसे ही आज दुनिया के लोग भोग में ही फंसे हुए हैं, जबकि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदायी। यह विषय वासनाओं के लिए तो शरीर मिला नहीं, इस चीज को समझने की जरूरत है कि शरीर किस लिए मिला। आप तो समझो कि किस काम में हम लग गए, इसको समझने की जरूरत है। यह मानव शरीर ये भगवान परमात्मा ने भजन के लिए दिया, इसके अंदर जो जीवात्मा है इसके उद्धार के लिए दिया, कल्याण के लिए दिया। लेकिन हम इस शरीर को भोगों में बिता रहे। बहुत से अनजान लोग जिसको ये मानव मंदिर कहा गया, इस मंदिर के अंदर मुर्दा मांस डाल करके और गंदा करने में लग गए। अब जब गंदा हो जाएगा, शरीर गंदा हो जाएगा, खून बेमेल हो जाएगा, शाकाहारी खून यानि शरीर का पैदा हो हुए तब रहा, उसमें जब डाल दिया मांस अंडा डाल दिया, मछली डाल दिया और उसका खून बना, तो खून बेमेल हो गया। खून जब बेमेल हुआ और उसका असर दिमाग पर पड़ा, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आप ये समझो मन मोटा हो गया, और मन जब मोटा हो जाता है तो वो इसी तरफ यानी समझ लो कि लगा रह जाता है, देखने की तरफ, खाने की तरफ, सुनने की तरफ, इंद्रियों के भोग की तरफ, इसी में वो रस लेता है। और इसमें उसको जब रस मिलता है तो इसी रस से वो मोटा हो जाता है, और जब मोटा हो जाता है तो ऊपर बढ़ नहीं पाता। आप देखो बूंद जब आसमान से चलती है हल्की रहती है, जमीन पर गिरती हल्की रहती है, लेकिन जब यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाती है और ये बूंद जो पानी का रूप ले लेती है, वही पानी जब जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो जल्दी हटाने से नहीं हटता है। और उसी बर्फ को जब गर्म कर दिया जाता है, वाष्प बन जाता है और हवा में तब वो हल्का होकर उड़ने लगता है। ऐसे ही ये जीवात्मा के साथ जो ये मन लगा हुआ है, यह मोटा हो गया, भारी हो गया, तो प्रयास करने के बाद भी हैं लोग कहते हैं कि बहुत देर तक बैठता हूँ भजन में, ध्यान में, लेकिन मन नहीं रुकता है। मन कहाँ जाता है? आप समझो खाने की तरफ जाता है, आप समझो देखने की तरफ जाता है, जिसमें जिसकी रुचि हो जाती है, जिसमें जिसकी इच्छा पैदा हो गई, मन उसी तरफ शरीर को ले जाता है और वही खिलाता है, और वह इच्छा की तृप्ति खत्म होती ही नहीं, इच्छाएं ये अनंत हो जाती हैं। और जिस तरह से यानी आग में घी डालो और आग बुझता नहीं है, आग बढ़ता जाता है, उसी तरह से इच्छाएं अनंत होती जाती हैं और इंद्रियों का भोग बढ़ता चला जाता है, जिससे यह शरीर रोगी हो जाता है और मन भोगी हो जाता है। तो अन्य समझ लो कि ऊपर का रस जिसके मिलने से ये मस्त हो जाए, वो रस छूट जाता है। इंद्रियों के घाट के रस को ही यह सबको समझ लेता है और शरीर को उसी में लगा देता है। तो जब भजन पर बैठते हैं लोग, ध्यान पर जब बैठते हैं, तो मन फौरन उठा देता है, चलो खाओ, चलो घूमो, चलो आराम करो। अब इतना समझ लो कि मनोबल डाउन हो जाता है आदमी का, कि मन के कहने पर तुरंत चल देता है।
आत्मा कमजोर पड़ जाती है, आत्मबल जो पहले लोगों में था अब नहीं रह गया। कारण यही है कि खान पान गड़बड़ हो गया। आपने नामदान बहुत से लोगों ने लिया, नामदान लेने के बाद शाकाहारी आप हो गए। कहते तो हो मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन मांसाहारी कोई चीज बाजार के खाने पीने वाली चीजों में पड़ी हुई है, अनजान में आप ले आए, खा लिए और उसी को का टेस्ट मिल गया तो मन तो बार बार उसी को खिलाएगा। और जब बार बार गंदगी आएगी, जब बार बार जहर शरीर के अंदर पड़ेगा, तो चाहे हल्का ही जहर क्यों न हो तो शरीर के अंगों को तो कमजोर करेगा ही करेगा। ऐसे ही यानी आत्मबल खत्म हो जाता है और मनोबल यानी समझ लो कि इंद्रियों की तरफ शरीर को ले जाता है, भोग की तरफ ले जाता है, तो भजन में बाधा आ जाती है। कितने भी गुरु सक्षम हो, कितना सरल रास्ता हो, लेकिन यानी समझो मन न रुके, मन इधर उधर भगे, मन घाट पर न बैठे, गुरु नाव लिए खड़े रहें, लेकिन घाट पर आदमी न हो तो कैसे पार करेंगे। किसी को छत के ऊपर चढ़ना है और दूर आप खड़े रहो, यानी आपको छत पर चढ़ना है और दूर आप खड़े रहो छत से, और छत पर जो आदमी खड़ा है कह रहा रस्सी डाल दिया है, इस रस्सी को पकड़ करके और तुम ऊपर आ जाओ, मैं तुमको खींच लूँगा। लेकिन जहाँ रस्सी नीचे लटक रही है वहाँ जब आप नहीं पहुँचोगे तो कैसे रस्सी पकड़ में आएगी और कैसे यानी खींचने वाला ऊपर खींचेगा। इसलिए कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ खाओ पियो, देखभाल करके खाओ पियो, परमार्थी को बहुत होशियार रहना चाहिए। यहाँ तक कि परमार्थी की कमाई में कहा गया कि सत्संगी के यहाँ भी सत्संगी अगर खा ले तो अपने कर्मों में से उसको देना पड़ता है। कौन से कर्मों में भी? भजन के कर्मों में से, अच्छे कर्मों में से उसको देना पड़ता है। तो ये लेने देने का संसार लेना देना कर जाए एक दूसरे का, इसको आप परमार्थी लोगों को सत्संगियों को समझने की जरूरत है और संयम नियम का पालन करने की जरूरत है और अपने जीवात्मा के ऊपर दया करने की जरूरत है। आपको सच्चे धर्म के पालन की जरूरत है। सच्चा धर्म क्या है और धर्म क्या है? धर्म पूछो आप करते हो, आप कहोगे मैं धार्मिक हूँ, धर्म करता हूँ, लेकिन आप इतने लोग सुन रहे हो, सबसे अगर अलग अलग पूछा जाए तो आप अलग अलग बताओगे, धर्म की परिभाषा अलग बताओगे, धर्म पालन का तरीका अलग बताओगे। कोई कहेगा मैं गंगा में स्नान करने के लिए जाता हूँ, कोई कहेगा यमुना में जाता हूँ, कोई कहेगा मैं दान करता हूँ, कोई कहेगा तीर्थ में जाता हूँ, कोई कहेगा मैं यानी पेड़ को ही भगवान मान लेता हूँ, पत्थर पूज करके श्रद्धा से और उन्हीं को मैं भगवान मान लेता हूँ और उनसे अनेक अच्छा बनने की और अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने की, सुकून शांति प्राप्त करने की अन्य दया मांग लेता हूँ, कृपा ले लेता हूँ उनकी। कोई कहेगा कि मैं सत्यनारायण की कथा हर पूर्णिमा को सुनता हूँ, कोई कहेगा भागवत सुनता हूँ, कोई कहता वेद पढ़ता हूँ, तरह तरह से नहीं कोई कुछ कर पाता है। तो कहता है भाई मैं गरीबों को रोटी खिला देता हूँ, मैं प्यासे को पानी पिला देता हूँ, नहीं कुछ होता है तो रास्ता चलने वाले को यही बता देता हूँ कि सड़क पर तुम बाईं तरफ चलो, यानी नहीं तो कोई गाड़ी आएगी और उसके चपेट में आ जाओगे, कहीं कोई चीज़ केला जैसा छिलका सड़क पर पड़ा है तो पैर से उसको किनारे कर देता हूँ। तरह तरह की भावनाएं धर्म के करने में लगी हुई हैं। कोई कहता मैंने लड़की की शादी किया धर्म किया, कोई कहता मैंने दूसरे की शादी कर दिया लड़की की धर्म किया, कोई कहेगा मैंने इलाज करा दिया गरीब का धर्म किया। लेकिन यह धर्म तो है, गृहस्थ धर्म है,
इसको मानव धर्म कहा गया। हाँ फिर समझो, रोटी खिलाना, पानी पिलाना, दरवाजे पर कोई आ जाए भूखा न सोवे, रहने की व्यवस्था कर देना, ये गृहस्थ का धर्म है। भटके हुए को रास्ता बता देना, आने समय लो ये मानव धर्म है। किसी को उपदेश कर देना, किसी को समझा देना, सत्पथ पर चला देना, ये मानव धर्म है। इससे क्या लाभ मिलता है? शरीर को लाभ मिलता है, क्योंकि यह काम शरीर से होता है। किसी को हाथ से खिलाते हैं, किसी को मुंह से बताते हैं, समझाते हैं, गलत रास्ते से अच्छे रास्ते पर लाते हैं, पैर से चल करके कहीं अच्छे काम के लिए जाते हैं, तो इससे शरीर को लाभ मिलता है। कहीं पैसा लगा दिया, कहीं गरीब की मदद कर दिया, कहीं कपड़ा खरीद करके दे दिया, दवा करा दिया, जहाँ पैसा खर्चा हो गया, तो उससे क्या होता है? लक्ष्मी खुश हो जाती हैं, धन की बढ़ोतरी हो जाती है। कहते धर्म के धन ना घटे, तो धर्म धन नहीं घटता है जब ऐसा धर्म करते हैं। लेकिन जीवात्मा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जीवात्मा को इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। जो आत्मा वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है, शरीर के अंदर ही पड़ी रह जाती है, और जीवात्मा के साथ अनिश्चय शरीर से अन्याय होता रहता है। मन के हिसाब से शरीर चलता है, कराता है, तो मन अनिश्चय जो बलवान होता जाता है, मन जीवात्मा का साथ नहीं देता है, और मन इंद्रियों की तरफ झाट पट बैठा रहता है, रस लेता है। जीवात्मा के ही प्रकाश से यह शरीर चलता है, ये इंद्रियां उसी के शक्ति से चलती हैं, तो इनका जीवात्मा का मन का और इंद्रियों का और प्राणों का ये संबंध होता है। 72,000 नस हैं, ये सब जीवात्मा से ही जुड़ी हुई होती हैं। और जीवात्मा कहाँ से जुड़ी हुई होती है? उस परमात्मा से जुड़ी हुई होती है। लेकिन जीवात्मा इस समय किसके वश में है? जिन्होंने इस शरीर को दिया है, तो ये सारा सिस्टम यानी एक तरह से बना हुआ है। तो अब आप इस बात को समझो कि अगर जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया और सारा समय खाने पीने में और मौज मस्ती में ही निकाल दिया, दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करने में अगर लगा दिया, पुत्र परिवार की सेवा में अगर शरीर को लगा दिया, तो ये कोई भी चीज़ आने समय लोग काम आने वाली नहीं है, न जीवात्मा के काम आने वाली चीज़ है, और न आखिरी वक्त में आपके शरीर की बचत के लिए काम आने वाली है। अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग, अच्छे अच्छे साधन सुविधा वाले लोग, आने समय लो कि जब कर्मों की सजा शरीर से मिलने लगती है, तो तड़प तड़प करके प्राण को निकालना पड़ता है, तड़प तड़प करके शरीर को छोड़ते हैं। उस समय न कोई इंजेक्शन काम करता है, न उस समय पर कोई डॉक्टर हकीम बेड काम करते हैं, न कोई रुपया पैसा हीरा मोती काम करता है। आप समझो सिकंदर बादशाह जब शरीर छोड़ने लगा और पीड़ा उठी, जब तेज बुखार उसको हुआ, तो उस समय पर लुकमान ने जब हाथ पकड़ा, नब्ज पकड़ा, तो यही बोला, बचा लो हकीम जी, एक बार बचा लो, आधा राज्य दे दूंगा। हकीम जी बोले, नामुमकिन। फिर कराहा और चिल्लाया, कहा एक बार मेरी माँ से मिलवा दो, माँ से काफी दूर था वो, कहा माँ से मिलवा दो, मैं एक बार प्यार से रोटी मांग करके खा लूँ, माँ खिला दे, मैं सारा राज्य आपको दे दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा नामुमकिन। तब वो बोला, पैदा हुआ तो मुट्ठी बांध करके पैदा हुआ, सब कुछ लेकर के आया, सब कुछ लेकर के बच्चा क्या आता है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इन चारों को अगर समझ जाए इंसान, तो इसी में लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। तो बोला मुट्ठी बांध करके लेकर के आया, मुट्ठी बांध कर आया, और अब सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूँ, हाथ फैला करके जा रहा हूँ, तो जब मेरी अर्थी निकले, मेरा जनाजा निकले, तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, और दुनिया वालों से कहना, ए दुनिया वाले,
देखो ये विश्व विजेता जो कहलाया सिकंदर बादशाह, श्रीरामों की जवाहरात जो लूट मार करके लाया, खजाना भर लिया, सब कुछ छोड़ करके जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, तो दुनिया वालों को नसीहत देने के लिए कि तुम भी सब कुछ छोड़ करके ऐसे चले जाओगे, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना और लोगों को बताना सिकंदर बादशाह जा रहा है, ये वो जा रहा है। तो अब आप इस बात को समझो कि भाई इसी तरह से अन्य समय लोग सब कुछ छोड़ कर जाना पड़ेगा, कोई भी चीज़ साथ जाने वाली नहीं है, ना आखिरी वक्त पर काम आने वाली चीज़ है। तो जब कर्मों की सजा मिलने लगती है तब समझो शरीर से भी कष्ट भोगना पड़ता है, और जो शरीर का कष्ट बाकी रह जाता है, कर्म बाकी रह जाते हैं, ज़्यादा बुरे कर्म बन जाते हैं, तो उसकी वजह से जीवात्मा को नरकों में जाना पड़ता है। 42 प्रकार के छोटे बड़े मिलाकर के नरक हैं, उन नरकों में बड़ी तकलीफ होती है, कर्मों के अनुसार एक नरक में दो नरक में, किसी किसी को तो सभी नरकों में जाना पड़ जाता है। जैसे किसी आदमी ने किसी का अपहरण किया, एक धारा लगेगी, और उसके साथ बलात्कार किया, दूसरी धारा लग जाएगी, और उसको मर्डर कर दिया, जान से मार दिया, तो तीसरी धारा लग जाएगी। अब अलग अलग केस की अलग अलग धाराओं की सजा मिलती है, तो पूरी जिंदगी यह हो जाता है कि इनको अन्य जेल में ही रहना पड़ेगा, उसी में जिंदगी बीतेगी, तो बहुत दिन तक जेल में रहना पड़ता है। ऐसे ही जिनके पाप कर्म ज़्यादा होते हैं उनको पिशाच के शरीर में, यानी जो मनुष्य जैसा ही शरीर होता है, अलग अलग नरकों में डाल देते हैं, वहाँ काटे जाते हैं, सड़ाए जाते, गलाए तपाए जाते हैं, बहुत समय लग जाता है। जिनकी धाराएं हल्की होती हैं कि जैसे जमानत जल्दी हो जाती है, यहाँ के कानून के अनुसार यानी अगर भारी केस है तो समय लगता है 6 महीने साल भर, किसी किसी की जमानत जल्दी होती ही नहीं है, वहीं से केस चल जाता है, सजा हो जाती है। ऐसे ही ऊपर का भी विधान है, वहीं के सारे विधान के अनुसार यहाँ का भी सब विधान बना था, ब्रह्मा के मुंह से यानी जो आवाज़ निकली थी जिसको वेद कहा गया, उसमें यही सारी बातें लिखी हुई हैं। उस समय पर संस्कृत चलती थी, इस समय पर संस्कृत तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो संस्कृत भाषा को लोग समझते थे, वो जो आयतें उतरी थीं वो शुद्ध संस्कृत थीं। इस समय पर जो संस्कृत भाषाएं हैं भी, उनमें स्पेलिंग जिसको कहते हैं, उनमें मिस्टेक जिसको कहते हैं, गलती हो गई, अपने मन से इधर हलंत लगाने का, बिंदी रखने का, ये करने का लोगों ने यानी कोई महत्व नहीं समझा, तो उसका अपभ्रंश हो गया। जैसे आप हिंदी प्रदेश में रहते हो, हिंदी बोली जाती है, लेकिन गांव के लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, ऐसे ही अब वो संस्कृत हो गई। अब वो आयतें उतर तो रही हैं, अब भी उतर रही हैं, अब भी वो आवाज़ हो रही है जिसको आकाशवाणी कहा गया, लेकिन समझ में जल्दी नहीं आता। कुछ लोगों की ये शिकायत होती है, कहते हैं कि आवाज़ तो सुनाई पड़ रही है लेकिन साफ नहीं सुनाई पड़ रही है। कुछ लोग कहते हैं भजन करता हूँ अथवा मिलौनी आवाज़ सुनाई पड़ती है, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, भाषा समझ में नहीं आती है। तो उसका यही कारण है कि भाषा तो ये कही है लेकिन समझ नहीं पा रहे, कभी उसको सुने नहीं, कभी ने सुनाया नहीं, कभी बताया नहीं, कभी उसका अर्थ समझाया नहीं। जैसे अंग्रेजी कठिन कोई बोलता है और जो पढ़ा लिखा होता है, जानकार होता है, क्लिष्ट हिंदी हो, क्लिष्ट अंग्रेजी हो, तो उसको वही समझा पाएगा जो पढ़ा होगा, जानकार होगा। इसीलिए तो संतों की ज़रूरत पड़ती है कि संतों को दोनों भाषा मालूम होती है, यहाँ की भी मालूम होती है, वहाँ की भी मालूम होती है, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करे, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, मानव धर्म क्या होता है, आध्यात्मिक धर्म क्या होता है, इसकी सारी जानकारी होती है। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है, रहते हैं और सत्संग सुना जाता है, जाया जाता है,
15वें दिन महीने में एक बार लोग जाते थे, सुनते थे, हर चीज की जानकारी रहती थी, तो आज की तरह से अशांति नहीं थी, आज की तरह से खींचतानी नहीं थी, आज की तरह से घर घर में झगड़ा नहीं था, आज की तरह से भाई भाई में मनमुटाव नहीं था। बड़ा प्रेम था, सद्भावना थी, सच्चाई रूपी धर्म था, अनिहिंसा अहिंसा वादी लोग थे, हिंसा नहीं करते थे, लोगों पर दया करते थे, लोगों में सेवा भाव था। तो आपको समझने की जरूरत है कि देखो, ये दुनिया की कोई भी चीज़ काम आने वाली नहीं, सब छोड़ जाने वाली है, और इसी में अगर लगे रह जाओगे तो ये कहीं फंस न जाए। कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जो आदमी इंसान अनजोश में कर बैठता है, आप समझो अज्ञानता में कर बैठता है, तो उसकी भी सजा मिल जाती है। आप इस बात को समझो कि चाहे कोई जहर जान में खाए या अनजान में खाए, लेकिन जहर अपना असर जताता ही जताता है। तो बहुत नेक कर्म करते हुए, बहुत अच्छा कर्म करते हुए, भजन सुमिरन ध्यान भी करते हुए, और कभी कोई कर्म ऐसा बन जाता है कि जो बहुत ही नुकसानदेह होता है, बड़ा भारी होता है, उसको भोगना ही पड़ जाता है, जिसकी जानकारी उसको खुद को नहीं हो पाती है, तो उसकी सजा तो मिलनी ही मिलनी होती है। तो वैसे तो सत्संगियों की संभाल गुरु हमेशा करते रहते हैं, दुनियादारों के लिए तो कठिन सजा है, लेकिन सत्संगियों के लिए भी सजा है। यह जरूर है कि सजा मिलती है तो सत्संगी को बर्दाश्त की शक्ति गुरु दे देते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं, उसको झेल लेते हैं, और दुनियादार परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि नरकों में सजा भोगनी पड़ती है, और नरकों से फिर यानी समझ लो 84 में भेजा जाता है। अब यह है कि जो निकृष्ट जीव होते हैं, जो अनचक्कर काटते रहते हैं नरकों में, बहुत समय तक वहाँ रहते हैं, वो जब नीचे भी उतारे जाते हैं, मृत्युलोक में भी उतारे जाते हैं, तो उनको कहाँ जन्म मिलता है? निकृष्ट योनि में। जैसे आप देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गलत ही काम करते हैं, ऐसे के यहाँ पैदा हो जाते हैं, यहाँ बकरा मुर्गा कटता ही कटता है, वो उसी में लिप्त हो जाते हैं, उनके और भी कर्म खराब हो जाते हैं। कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनकी पूजा होती है, जिनका गोबर यानी समझ लो कि लोग प्रयोग करते हैं, यानी उससे लिपाई करके पूजा पाठ करते हैं, गोबर का देखो गौरी गणेश बनाते हैं। आप देखो मूत्र गाय का यानी असाध्य से असाध्य रोग को ठीक करता है। आप देख लो कि गौ का दूध अमृत कहा जाता है, गौ का घी से दीपक जला करके और देवता के मूर्ति के सामने रखते हैं, गौ को माता कहा जाता है। दूध एक ही तरह का सफेद यानी गाय भी देती है, बकरी भी सफेद ही दूध देती है, गोरी गधे का भी दूध सफेद होता है, काला दूध किसी का नहीं होता। लेकिन अभी किसी से कह दो गधे का दूध पियोगे तो गाली देगा, नाराज हो जाएगा, और गाय का दूध पीने के लिए किसी भी जात मजहब के आदमी को कहो कि आपको गाय का दूध पीने में एतराज है, कोई एतराज नहीं, गाय के दूध में चाय बनी है पियोगे? हाँ पी लेंगे, कोई एतराज नहीं है। तो अब आप तो समझो गाय की योनि मिल जाती है, और गाय की योनि के बाद यानी समझ लो मनुष्य शरीर मिल जाता है, भजन का रास्ता मिल जाता है। आप समझो कि गाय की योनि में डाल दिया, अगर अच्छे कर्म रह गए, बुरा मतलब समझ लो कि ज़्यादातर भोग ले गए, थोड़ा बहुत रह गया था उसमें डाल दिए गए, और नहीं तो आप ये समझो कि ऐसे योनि में डाल दिए गए कि जैसे नज़दीक आने लगे ये जानवर तो दूर से ही लोग पत्थर मार करके और उनको भगाते हैं। सुबह सुबह वो लंबे मुँह वाले होते ना, गांव में निकलते हैं अंधेरे में ही, पहले लोग जब लैट्रिन नहीं बनी रहती थी तो बाहर जाते थे शौच के लिए, और सुबह ही सुबह सब साफ करके एकदम से चले आते थे,
अब वो जब बदबूदार जानवर नजदीक आने लगते हैं तो लोग उनको पत्थर मार करके भगाते हैं। उस योनि में भी यही जीवात्मा है। एक देखो अन्य समय लोग के कीड़ा होता है कौन सा, जो लेटरिन को ही खाता है, जो लेटरिन जहाँ पड़ी रहती है, मल जहाँ पड़ा रहता है उसी को खाता है, उसी में लगा रहता है, उसी की गोली बना बना करके ले जाता है, लंबे समय तक खाने के लिए रखता है। और एक कीड़ा ऐसा होता है जो भौरा जिसको कहा गया, वो खुशबू वाली जगह ही बैठता है और खुशबू का ही उसका आहार है। आप समझो कि जीवात्मा जब ये निकलती है, जो रास्ता आपको मिला यानी उस रास्ते पर जब आप चलते हो, शरीर से जीवात्मा को निकालते हो, ऊपरी लोकों में जब आप जाते हो तो वहाँ देखते हो जो साधक साधना करते हो, तो कितनी बढ़िया सुगंधित हवा चलती है, चारों तरफ सुगंधित ही हवा रहती है। किसी आप बगीचे में चले जाओ जहाँ पर मोगरा के ही पेड़ लगे हों, जहाँ रात रानी के ही पेड़ लगे हों, और रात को चले जाओ तो पूरा बगीचा खुशबू में रहता है, वातावरण में वो खुशबू फैली हुई रहती है, ऐसे पूरे वातावरण में वहाँ खुशबू फैली हुई है। अब उस खुशबू को जब साधक पा जाता है तो इधर आने की इच्छा ही नहीं करता है, शरीर का ध्यान रहता है, होश रहता है, यह रहता है याद के चलना है, लेकिन उस आनंद को छोड़ करके आता ही नहीं है जल्दी। इसी तरह से भौरे को जब रस मिलने लगता है तो बैठ जाता उसी पर, और जैसे ही रात होती है, शाम होता है, तैसे उसकी कमल की जो पंखुड़ियां हैं जिस पर बैठ करके वो रस लेता है, वो ऐसे धीरे धीरे बंद होने लगती है। अब वो भौरा भी उसी में बंद हो जाता है। अब जब उसको होश आता है कि उड़ना चाहिए, चलना चाहिए, तो वो तो बंद मिलता है, उसके चारों तरफ दीवार रहती है, किसकी, कमल के पंखुड़ियों की, पत्तों की, तो कहाँ निकल पावे। जब सुबह होता है और कमल फिर खिलता है तब निकलता है, तो एक कीड़ा वो है और एक कीड़ा ये है। ऐसे ही आप चार तरह के स्वभाव के लोग मिलेंगे, अलग अलग योनियों के इसमें हैं। किसी को लोग कहते हैं देवतुल्य हैं, बहुत अच्छे हैं, किसी को कहते हैं इसका मुंह देखना पाप है, तो बहुत बदमाश है। तो कहने का मतलब लब्बे लबाब यह है, कुल मिला करके यह है कि बहुत यातना भुगतनी पड़ती है इस जीवात्मा को, बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है, शरीर के साथ ही साथ सुख दुख का इसको बहुत अनुभव करना पड़ता है। तो इसको अब कष्ट देने का प्रेमियों समय नहीं रह गया। एक बार इसको सुख के सागर में पहुंचा दो, जब ये वहां पहुंच जाएगी तो फिर नीचे वापस नहीं आएगी, फिर इधर आने का अन्य रास्ता तो रहेगा, आना चाहे तो आ सकती है, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते हो आसानी से, लेकिन ऊपर से नीचे यहाँ आ सकते हो, यहाँ से आप ऊपर के लोगों को नहीं देख सकते हो, देवी देवताओं को नहीं देख सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ के यानी लोक को और उन जीवात्माओं का दर्शन आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाओगे तो ये सब सारा का सारा मृत लोक दिखाई पड़ेगा। जैसे हवाई जहाज पर उड़ करके ऊपर चले जाओ तो ये शहर सब पूरा दिखाई पड़ता है आपके, समझ लो इसी तरह से जब वहाँ पहुँच जाओगे तो नीचे का सब दिखाई पड़ेगा। नीचे आ तो सकते हो, लेकिन एक बार जो गंदगी से निकल जाता है यानी समझ लो कि बदबू वाली यानी गली से जो निकल जाता है यानी जहाँ रहता है, आदत वहाँ बन जाती है। देखो बड़े शहरों में सार्वजनिक शौचालय बन जाते हैं, बराबर बदबू आती रहती है, नाली जहाँ खुली होती है वहाँ बराबर बदबू आती रहती है, जब तक आदमी वहाँ रहता है उसका आदि रहता है, लेकिन वहाँ से निकल करके बाहर चला गया, कोई नई कॉलोनी में जगह ले लिया, फ्लैट ले लिया और उसमें रहने लगता है, तो उस नाली वाली गली में जाना पसंद नहीं करता। बा मुश्किल कभी ज़रूरत पड़ी तो कपड़ा बांध करके मुँह में लगा के जाना पसंद करेगा। ऐसे ये बदबू भरा हुआ
ये दुखों का संसार है, यहाँ से जाने के बाद निकलने के बाद कौन यहाँ आना पसंद करेगा। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जिनको यह मनुष्य शरीर मिला, और आप बहुत से लोगों को गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिले। गुरु महाराज के जाने के बाद भी आपको जो नामदान नहीं पाए हुए तो नामदान मिला, तो अब आप लोग नाम की करो कमाई। इतना सुनने के बाद अब आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर हम लगे हुए हैं, दुनिया के चीजों में लगे हुए हैं, शरीर को लगाए हुए हैं, यानी समझ लो इसके साथ ही साथ जो धर्म भी कर रहे हैं ये अपना धर्म नहीं है, असला धर्म नहीं है, या बिलाद असला देश नहीं है, या परिवर्तनशील संसार है, यह अपना को यहाँ कुछ नहीं है। तो अपने घर चलो, जहाँ यानी समझ लो कि जहाँ जैसा का तैसा ही रहता है, अजर है अमर है वो लोग, जहाँ से आप आए हो बहुत दिन हो गया अभी वापस नहीं पहुँच पाए, मनुष्य शरीर मिला भी लेकिन सदगुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, मदद करने वाले नहीं मिले, तो आप नहीं पहुँच पाए। अब की बार मौका मिला है तो चूकने की जरूरत नहीं है। देखो इतना आसान, पहले कभी किसी ने पूजा उपासना साधना किया ही नहीं जितना गुरु महाराज ने किया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस मन के कहने पर यानी समझ लो कि नहीं करके बल्कि शरीर को मजबूती से यानी दृढ़ करना है, दृढ़ता लानी है शरीर में। मन तो कहेगा उठ जाओ, चलो खाओ, चलो घूमो, चलो देखो, इधर सो जाओ, गर्मी लग रही, ठंडी लग रही है, लेकिन मन को उस समय अगर रोक ले जाओगे, मना ले जाओगे तो भगेगा तो बहुत, लेकिन भगते भगते थक जाएगा। मन भगता है तो कहाँ भगता है, जहाँ भगता है जहाँ जाता है वहाँ शरीर को ले जाता है। अब शरीर को जब आप रोक के रखोगे, इसको उठाओगे नहीं, और मन से कहोगे मुझे एक घंटा बैठना है, मेरा संकल्प है कि एक घंटे से कम हम नहीं बैठेंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे, तो भगते भगते थक जाएगा, और जब थक जाएगा तो रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तभी आप मोड़ पाओगे इसको। पंखा छत में चलता रहता है, लगा रहता है, अब पंखे को आप कहो कि जिस दिशा में यह चल रहा है उसके उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में हम इसको घुमा दें, तो चलते पंखे को आप नहीं घुमा सकते हो, पहले उसको आपको रोकना पड़ेगा, जब पंखा रुक जाएगा तब आप उसको घुमा करके आवाज़ आ रही है तो चेक कर पाओगे, कोई नट बोल्ट ढीला है तो उसको देख पाओगे, कोई चीज़ उसमें फंस रही है तभी उसको देख पाओगे, उल्टा घुमा करके ऐसे ही आप भी समझो कि इसको तभी उलट पाओगे, इंद्रियों के घाट की तरफ से इसको मन को तभी घुमा पाओगे जब ये रुक जाएगा। और चूंकि इसका साथ अनात्मा से है तो आत्मा भी घूमेगी इधर से और ऊपर की तरफ जाएगी, घाट पर जब बैठेगी तभी गुरु की भी दया होगी, क्योंकि शरीर से जब तक गुरु रहते हैं हर तरह से मदद करते हैं, लेकिन शरीर छोड़ करके जब चले जाते हैं तो अंतर में मदद करते हैं, शब्द रूप में मदद करते हैं, मौजूद रहते हैं तो साधना में अंदर में मदद करते हैं, साधना वाली जगह वहाँ मदद करते हैं, दुनिया की चीज़ों को पाने में, दुनिया के कष्टों को मिटाने में, जो शरीर के ऊपर आती है, जो शरीर से दुनिया की चीज़ मिलती है, जो मान सम्मान शरीर को मिलता है, यानी उसको तो दिलाते हैं दिलाते हैं, जरूरत भर का दिला देते हैं, भाव भक्ति के अनुसार दे देते हैं, जब दया करते हैं तो जरूरत भर का ही देते हैं, किसमें यह फंस न जाए, जब जबरदस्ती कोई चीज़ मांग लेता है आदमी तो फंस जाते हैं, फंस जाता है, गुरु के पास तो बड़ा भंडार है, जो जैसा जिद करता है दे देते हैं, लेकिन फिर उसी में फंस जाता है, सत्संग सुनना बंद, मिलना जुलना बंद,
भजन ध्यान सुमिरन सब बंद हो जाता है, उसी में फंस जाता है, अपनी प्राप्त की हुई चीजों में ही वो फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। तो यहाँ की चीजों को तो देते ही देते हैं, यहाँ तो मदद करते ही करते हैं, मान सम्मान के बढ़ाने में, धन दौलत के प्राप्त करने में, यानी समझो यहाँ की चीजों को तो दिलाते ही दिलाते हैं, लेकिन हम मौजूद रहते हैं तब भी जब अंतर में साधना कोई करता है तो उसमें मदद करते हैं, लेकिन मदद की जगह होती है अब यह है कि आप वहाँ पर बैठे हो और मुझको आपसे कोई चीज लेनी है तो जब आपके पास जाऊंगा तभी आप दे पाओगे। छत पर बैठा हुआ है और नीचे से किसी ने आवाज लगाया कि सीढ़ी नहीं मिल रही है, सीढ़ी नहीं लगी हुई है, लेकिन मैं आना चाहता हूँ, मुझे सीढ़ी नहीं दिखाई पड़ रही है, तो बैठा है वो रस्सी डाल देगा, कपड़ा लटका देगा, कहेगा इसको पकड़ लो और मैं तुमको ऊपर बुला लेता हूँ। अब आप जब नजदीक जाओगे जहाँ कपड़ा लटक रहा है, यानी शब्द के डोर जहाँ पर मिलने वाली है, उस जगह पर जब पहुँचोगे तब तो वो उसको पकड़ा करके ऊपर खींचेगा। ऐसे ही जब ये जीवात्मा और मन इधर से यानी नीचे की तरफ से हटती है और ऊपर की तरफ जाती है और शब्द की डोर जब मजबूत पकड़ में हाथ में आ जाती है तो खींचे सूरत गुरु बलवान। कहा कि बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते और सो प्राणी तू मूरख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। तब गुरु सूरत को खींच लेते हैं, जब पकड़ लेता है डोर को वो, तो डोर जब पकड़ में आ जाएगी तो गुरु मदद कर देंगे। जैसे कोई घाट पर बैठे तो जो खेवैया है नाव का, वो नाव पर बिठा करके और नाव को उस पार लगा देगा। ऐसे ही यानी गुरु वहाँ फिर पहुँचा देते हैं। अब ये जरूर है कि घाट पर जब बैठता रहता है कोई, तब जब चिल्लाता रहता है तो नाव वाला अगर दूर भी रहे तो वो आकर के और बैठा लेता है, कहता बहुत देर से चिल्ला रहा है तो चलो इसको बैठा करके पहुंचा ही दें। ऐसे ही जब आवाज लगती रहती है, जब दर पर बैठे रहते हैं, बैठते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, बने ना बने, सुनाई पड़े ना पड़े, दिखाई पड़े ना पड़े, जब बैठे रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं और गुरु से प्रेम बढ़ाते जाते हैं और जी लगाते जाते हैं तो दया हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि पड़ा रहे दरबार में धक्का धनी का खाए, और कभी तो गरीब नवाजी जो दर छाड़ न जाए। तो दर प्रेमियों मत छोड़ो, दर पर बैठे रहो और गुरु भक्ति करो, गुरु से प्रेम करो और गुरु से प्रार्थना करो कि अब हमको इसी जन्म में पार कर दो, हमको इसी जन्म में अपने घर अपने वतन पहुंचा दो, मालिक के पास पहुंचा दो। सूक्ष्म रूप में आपका जहां आना जाना है, आपका जहां आवास निवास है, वहां हमको पहुंचा दो, वहां हमको दिखा दो। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जिनको ये रास्ता मिला और मनुष्य शरीर मिला, जिसके अंदर उद्धार का रास्ता है, जीवात्मा के कल्याण का रास्ता है, तो आप सब लोग अब इस रास्ते पर चलो कि जिससे अन्य दोबारा इस दुख के संसार में आना न पड़े, नरकों में चूक हो जाने पर जाना न पड़े, 84 में सांप गोदर बिच्छू के जहरीले शरीर में बंद हो करके इधर उधर भगना छुपना न पड़े, माँ के पेट में 9 महीने गंदगी में लटकना न पड़े, जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त न करना पड़े। यह निशाना आप सब लोग लगाओ। बहुत अच्छा रहा यह सिस्टम जो आप लोगों ने बनाया, इससे एक दूसरे से मुलाकात हो रही है, आप हमको देख रहे हो, हम आप लोगों को देख रहे हैं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, जरूरत पड़ेगी हम आपकी भी आवाज़ सुन लेंगे। तो इसी सिस्टम को आप लोग और आगे बढ़ा दो और जोड़ लो, इसी सिस्टम में और लोगों को जोड़ लो, बढ़ा लो कि जिससे उन तक भी समाचार सूचना पहुंचने लग जाए, क्योंकि सत्संग
अब इस समय इतना आसानी से हो नहीं सकता है, एक दूसरे से मुलाकात हो नहीं सकती है, चाहता तो मैं भी हूँ आप लोगों से मिलना, लेकिन परिस्थिति ऐसी है नहीं आ सकता, और आपको बुलाया भी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ भी रोग फैला हुआ है। तो ये सिस्टम के द्वारा एक दूसरे से मुलाकात हो जा रही है और एक दूसरे के बातें सुन ले रहे हैं, और जो मान लो कोई ऐसे भी हैं कि जिनका थोड़ा मन मोटा भी हो रहा है तो भी जीना भी हो जाता है। जब आपस में इसी सिस्टम से आप लोगों से बात करते रहोगे, गुरु भक्ति की बात करते रहोगे, मिलते जुलते समझाते रहोगे, वक्ताओं के प्रवचन सुनवाते रहोगे, भाव भक्ति का जो पाठ पढ़ाता है पढ़ाते रहोगे, तो गुरु भक्ति बनी रहेगी, गुरु से प्रेम रहेगा, मालिक से प्रेम रहेगा, और नहीं तो माया का चक्कर, काल का चक्कर बड़ी तेजी से चल रहा है, तकलीफों के तो अभी पहाड़ टूटेंगे, अभी तो ये बीमारी और ये तकलीफ कुछ नहीं है, तकलीफें तो अभी आगे आने वाली हैं। तो आप समझो कि तकलीफें आएंगी तो, लेकिन यह है कि जो गुरु भक्त होंगे, गुरु के आदेश के पालन में लगे रहेंगे, ध्यान भजन सुमरण में लगे रहेंगे, जय गुरुदेव नाम की जो ध्वनि है बोलते रहेंगे, बच्चों को बुलवाते रहेंगे, जय गुरुदेव नाम के बारे में लोगों को बताते रहेंगे, उनको तकलीफों को बर्दाश्त करने की मालिक शक्ति दे देगा, ताकत दे देगा, और उस तकलीफ को झेल ले जाएंगे। लेकिन ये कहो कि हम बाबा जी के शिष्य हैं, हम प्रचार प्रसार भी करते हैं, शाकाहारी हैं, और हमारी हमारे अंदर भाव और भक्ति है, हम परोपकारी हैं, अन्य जीवात्मा को खुराक दिलाते हैं, लोगों को सुमिरन ध्यान भजन समझाते हैं, नए लोगों को नामदान दिलाते हैं, तो हमको तकलीफ नहीं होगी। आप इस बात को समझो कि कहीं आग लगी हुई है तो आप जलोगे नहीं, लेकिन आपके बगल में आग लगी है वहाँ खड़े हो तो दुरुस्त हो जाओगे, बदन तो एकदम गर्म हो ही जाएगा, कुछ न कुछ तकलीफ तो होगी ही होगी, क्योंकि साथ ऐसे लोगों का पड़ गया, उन्हीं लोगों के बीच में आपका रहना हो रहा है, उन्हीं के बीच में नौकरी करना हो रहा है, उन्हीं के बीच में व्यापार करना हो रहा है, उन्हीं के बीच में आना जाना हो रहा है, जिनको कर्मी कहा जा रहा है, तो उसका असर तो आएगा ही आएगा, इसलिए संभल करके चलने की जरूरत है, आप समझो बचत करने की जरूरत है, जान की अपनी भी हिफाजत करो, दूसरों की भी करो, अपनी भी जान बचाओ, दूसरे की भी जान बचाओ, जान बचाना बड़ा पुण्य का काम होता है, तो आप प्रेमियों इन बातों का ध्यान रखो, तो बहुत अच्छा रहा, और आप ये सिस्टम और आगे बढ़ा दो, और फिर इसी तरह से समय मिलेगा तो बात होती रहेगी। तो बोलो जय गुरु।